Hey you, welcome to IP Club. And also family restaurant with indoor as well as terrace dining. IP Club में birthday party, anniversary, kiddie party, farewell या कोई भी मजेदार event आप organize कर सकते हैं. So जब भी mood पार्टी का या लजीज खाने का या सिर्फ सॉन्ग्स के साथ जैमिंग करने का तो जाना ना भूले वन एंड ओनली आईपी क्लब. डू विजिट आईपी क्लब फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 7809312112. नमस्कार, एबीसी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह. ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे किसानों के मुद्दे को लेकर के. दरअसल किसानों को 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल तीनों कृषि कानूनों पर रोक जरूर लगा दी गई है, लेकिन किसान अभी घर लौटने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बैठक भी सरकार के साथ हुई है और जो ये बैठक है उसमें समाधान नहीं निकल सका है. और इस बीच किसान आंदोलन में एनआईए समन के बाद अब कड़वाहट और बढ़ गई है. आंदोलन से जुड़े 20 किसान नेताओं समेत करीब 100 लोगों को एनआईए ने फंडिंग से लेकर अन्य लिंक को लेकर पूछताछ के लिए समन भेजा है. इन किसान नेताओं के अलावा धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों के साथ साथ कलाकार, ट्रांसपोर्टर, अड़तीय, पेट्रोल पंप संचालक, जत्थेदार और कई संदेह के दायरे वाले शामिल हैं. उनसे पूछताछ के सिलसिले की शुरुआत एनआईए रविवार से अलग अलग तारीखों पर करने जा रही है. उधर शनिवार को ही पंजाब से जुड़े 32 किसान संगठनों की बैठक में 26 जनवरी के ट्रक परेड, एनआईए के ताजा समन, शुक्रवार की सरकार से हुई वार्ता और 10वें दौर की 19 जनवरी को होने वाली वार्ता पर चर्चा हुई. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर है ये पूरा मामला जो है वो, अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर है. दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब और अन्य राज्यों के किसान धरना दे रहे हैं. आज किसानों की अहम बैठक भी है जिसमें तय किया जाएगा कि 26 जनवरी को किसान किस तरह का प्रदर्शन करेंगे. किसानों ने पहले ही राजपथ पर ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन करने का ऐलान कर रखा है. इसी और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता नितिन कुमार गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रहे हैं. नितिन, आपके साथ में वहां पर किसान भी मौजूद हैं. जिस तरह से अब एनआईए की समन की बात निकल सामने आ रही है, कई किसान नेताओं को समन भेजा गया है, उसको लेकर के क्या कहना है वहां पर मौजूद किसानों का? मैं बता देता हूं, किसानों का आंदोलन लगातार अभी जारी है और आज 53वां दिन है. मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और मेरे साथ किसान मौजूद है. मैं उनसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से एनआईए ने नोटिस दिया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एनआईए ने जो नोटिस दिया है उस नोटिस को हम लोगों ने प्राप्त किया जो हमारे किसान नेता है, और उस नोटिस का जवाब एनआईए को दिया जाएगा. इस विषय में कोई हमें ज्यादा चिंताजनक नहीं है, क्योंकि जिसको कोई समस्या नहीं है उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं. फंडिंग के लेकर आरोप लगाया कि फंडिंग हो रही है, उसको लेकर देखिए, हम लोगों का मानना यह है कि कोई विदेशी फंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है. और अगर कोई बोलता है कि विदेशी फंडिंग हो रही है तो उसके सबूत इन लोगों को देने चाहिए, ठीक है. हम लोगों की जो हमारे किसान नेता हैं, जो 40 प्रतिनिधि हमारे जाते हैं, 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, इन लोगों को उसके सामने रखना चाहिए कि आपको यहाँ से फंडिंग हो रही है. हम लोगों को तो ये मानना है कि कोई फंडिंग नहीं हो रही है, ये पूरा आंदोलन किसान के पैसे पे लड़ा जा रहा है. फंडिंग के लिए आप क्या कहेंगे सर? कोई फंडिंग नहीं है भैया, फंडिंग तो कोई कहीं है ही नहीं. कहाँ से करेंगे फंडिंग जब वो पाकिस्तान से बोल रहे हैं, पाकिस्तान खुद कर्जे में डूबा हुआ है, तो कहाँ से फंडिंग करेगा हमारे लिए, ये बताइएगा आप. आप कुछ कहेंगे फंडिंग के लिए? सरकार ने आरोप लगाया फंडिंग का, कोई फंडिंग नहीं है. देखो, अब किसानों का यही कहना है कि कोई फंडिंग नहीं हो रही है, जिसको लेकर और भी हमारे साथ के किसान मौजूद हैं. सर, क्या कहेंगे जो एनआईए पर आरोप लगाया फंडिंग के, जो नोटिस दिया उसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो 5-5 से 10-10 किलो गेहूं उगा के और लाए अपने किसानों के लिए. हाँ, और तभी जाएंगे जब हमारा बिल्कुल पूरा वापस है जाने. तब तक एनआईए ने जो आरोप लगाया कि उसमें बाहर से फंडिंग हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से कोई फंडिंग नहीं हो रही, कोई सबूत दिखाओ, कोई भी सबूत दिखा दे. इस तरीके से आंदोलन का किया जाता है, इस तरीके से अपनी एकता है, किसान अपनी एकता है, सद्भावना है, मतलब हाँ, प्रेम भाव है, एक की एक मदद कर रहा.
नितिन उनसे सवाल पूछे, नितिन उनसे सवाल पूछे कि कई दौर की बातचीत भी सरकार के साथ किसानों की हो चुकी है और अब जो है दो दिन के बाद जो है 19 तारीख को एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच में बैठक होनी है, क्या लग रहा है? क्योंकि नरम रुख तो ना किसान अपना रहे हैं ना सरकार अपना रही है, समाधान कैसे निकलेगा? फिर लगातार सरकार की किसानों से बातचीत चल रही है, अभी तक कोई हल नहीं निकला है, आने वाली 19 तारीख में भी बातचीत है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए आने वाली 19 तारीख को बातचीत है, लेकिन हमारे जो पहले दौर से वार्ता है, पहले दौर से लेकर नौ दौर की वार्ता हुई है, हम लोगों की तो एक मांग है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाए। इससे ज्यादा हम तो पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं, तो हमारी तो शुरुआत भी है और आखिरी भी है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाए। हमारे नेता और हमारा प्रतिनिधिमंडल ये पहली वार्ता में ही क्लियर कर चुका है कि हमारी केवल एक मांग है कि तीनों काले कानून को आप वापस लें। लेकिन सरकार तो जो है वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है, सरकार कह रही है कि हम किसी भी कीमत पर तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। हाँ, उसमें जो प्रावधान है उसको लेकर के सरकार ने बातचीत के दरवाजे खोल रखे हैं, तो फिर ऐसे तो बात नहीं बनेगी, कब तक प्रदर्शन कर रहेंगे? देखो सरकार ने ये बोला है कि हम तीनों कानून को वापस तो नहीं लेंगे, उसमें संशोधन की बात कही जा रही है, उसको लेकर कब तक आप आंदोलन करते रहेंगे? बात बनेगी नहीं बनेगी? देखिए बात बनने की तो बात यह है कि हम तो अपना पक्ष सरकार के पास रख चुके हैं कि तीनों काले कानूनों को आप वापस लीजिए। बात बनना अब गवर्नमेंट के हाथ में है, वो 19 तारीख में हमारे प्रतिनिधिमंडल दोबारा से कृषि विज्ञान भवन जाएगा, जाके बात होगी। सरकार आज बोल दे कि हम ये तीनों काले कानून वापस लेते हैं, हम लोग तो आज आंदोलन खत्म कर लेंगे, लेकिन जब तक ये वापस नहीं होगा जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन किसान का आंदोलन है, ये एक समस्त भारत का जो 130 करोड़ जनता बैठती है, ये उस पूरे परिवार का आंदोलन है, क्योंकि इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो अकेले इस किसान पे नहीं पड़ेगा, वो जो हमारा मिडिल क्लास है जो किसान से अलग। अगर कल 26 जनवरी को बात नहीं, मैं 26 जनवरी के क्या प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि कल बातचीत है, अगर उसमें बात नहीं बनती है तो 26 जनवरी की परेड वाला क्या? देखिए कल बातचीत है, उसके बाद जो भी निर्णय आएगा वो देखा उसको देखा जाएगा। और रही बात 26 जनवरी की, जैसा भी हम लोगों का जो संगठन है, जो हमारे किसान नेता है, जैसा वो निर्णय लेंगे ये समस्त किसान उसको फॉलो करेंगे। इनसे सवाल पूछिए कि आप पूरे भारत का आंदोलन से बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं किसान संगठनों की ही बात करूं तो कई किसान संगठन ऐसे हैं जो तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, बाकायदा सरकार से मिलकर जो है वो ये कह रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के हित में है, किसान तो खुद ही दो धड़ बड़े नजर आ रहे हैं। किसान जो आंदोलन ये चल रहा है लगातार, तो जो कानून है कुछ संगठन इसका समर्थन भी कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए एक आपने बोला है कि पूरे भारत में प्रदर्शन चल रहा है और कुछ लोग कुछ संगठन है जो उसका समर्थन भी कर रहे हैं, उन क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए हर व्यक्ति की अपनी सोच है, ठीक है, अब जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो एक दिन दिखते हैं, दो दिन दिखते हैं, उसके बाद तो हमें दिखा नहीं। आज यहाँ 53-54वां दिन है, जो दिल्ली के बॉर्डर है उन पे जो लोग किसान बैठे हैं वो लगातार यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो हम लोग तो बिल्कुल इस पक्ष में है नहीं कि ये किसी भी तरह से समर्थन के पक्ष में है बिल। हम लोगों का पहले दिन से लेके आज 53-54वां दिन है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, सब लोग हमारे साथ हैं, तो हम लोग तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी किसान के पक्ष में नहीं है, ठीक है। हमारे पहला दिन भी हमारा जवाब यही था, आज भी हमारा जवाब यही है। कुछ सरकार से उम्मीद है कि बात बन पाएगी नहीं बन पाएगी? देखिए सरकार से उम्मीद है, सरकार से हमें पूरा उम्मीद है, उम्मीद के लिए ही हम वार्ता करने जाते हैं, अगर हमें उम्मीद ना होती तो हम वार्ता करने क्यों जाते। लेकिन इस बीच में मैं एक चीज कहूंगा कि कुछ प्रतिनिधि ऐसा किसानों को बोल रहे हैं उसको सुन के ना मन बहुत दुखी होता है। अभी दिल्ली के एक सांसद ने बोला कि किसान ये है, मैं उस शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं करना चाहता सार्वजनिक मंच पे, ठीक है। कुछ लोग बोल देते हैं कि जो हमारी माताएं बेबे आई हैं वो 100-100 रुपए में आई हैं, ठीक है, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि एक सियासत तो होगी ही, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है रोटियां सेकने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन एक और कमेटी को लेकर के सवाल पूछे ना कि कमेटी के सामने जाने में ऐतराज क्यों है, जब कमेटी का गठन हो गया तो एक बार बात करके तो देख लीजिए कमेटी के सदस्यों से। जब कमेटी लेकर क्या कहेंगे, कमेटी में जब गठित हो गई है तो उसमें बातचीत करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए कमेटी जो गठित हुई है, अब आप देखिए कमेटी आपने गठित की, कमेटी में से एक सदस्य पहले से ही अपना त्याग पत्र दे के जा चुके हैं, ठीक है, बचे तीन। अब आप एक बात बताइए, हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं, हम जितने भी किसान बैठे हैं, हमने पहले दिन बोला था
कि हमने सरकार को चुना है और सरकार ही इस मुद्दे का हल निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट तो इस मुद्दे का हल निकालेगा नहीं, ये बात जितने भी कानूनविद हैं, जितने भी कृषि अर्थशास्त्री बातचीत हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, बात बनती नहीं दिख रही है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को तो दखल देना ही पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए तो कमेटी का गठन किया है ताकि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत के जरिए कोई समाधान निकल सके। देखो लगातार किसानों से जो सरकार की बातचीत चल रही है उसमें बात नहीं बन पा रही है, इसलिए ही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को गठित किया है तो उस बातचीत करने में क्या दिक्कत आ रही है? अभी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और उत्तर प्रदेश में मुख्य फसल जो है वो गन्ने की है। सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश था कि गन्ने की अब पेमेंट आपको 14 दिन में मिलेगा, आप 1 तारीख को पर्ची डाल के आए, 15 तारीख को आपका भुगतान आपके खाते में आएगा। अगर 15 दिन नहीं आता है तो उस पे गन्ना अधिनियम के तहत आपको 15% का ब्याज मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा ब्याज मिला, कौन सा पेमेंट मिला। आज 2.5 महीने शुगर मिल को चलते हुए हो गए, जब जी आप क्या इनसे बातों पर बात करेंगे कि सबसे पहले इनसे पूछिए कि कृषि कानून को लेकर आखिर इनको दिक्कतें क्या है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। इसके अलावा सरकार जो है किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना भी चला रही है, सरकार तो लगातार खुद को किसानों का हितैषी बता रही है। बात कृषि कानूनों की करें तो उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि जो सरकार है वो तो लगातार यही कह रही है कि तीनों कृषि कानून लागू होने के बाद किसानों को इसका पूरा फायदा मिलेगा, जो बिचौलिए हैं वो खत्म हो जाएंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल पाएगा। उसके बाद छोटा नहीं सरकार जी, कृषि आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? जो कृषि कानून है सरकार कह रही है बिल्कुल ठीक है, तो उससे आपको दिक्कत क्या है, क्योंकि सरकार ये आरोप लगा रही है बिचौलिया जो किसानों को भड़का रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो तीन कानून आए हैं ये कृषि फेवर में नहीं है। हम जानना चाह रहे हैं कि फेवर में कैसे है। ठीक है, अभी आप बोलते हैं कि आपको ओपन मार्केट दे दिया, किसान अपनी फसल कहीं भी ले जाके बेचे, तो ये तो पहले से होता आ रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान नरेला मंडी में धान पहले से बेचता आ रहा है, कोई प्रतिबंध नहीं था। हमारी मांग ये है कि आप MSP बनाइए, MSP का कानून बनाइए और मंडी में जो बोली लगेगी वो MSP से स्टार्ट होगी। बाजार ओपन है, कोई व्यापारी आए MSP से ऊपर जितना बोली लगे उसमें खरीदे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। MSP का आप कानून बनाइए, ठीक है? बिल्कुल। आप क्या जो सरकार लगातार ये कह रही है कानून ठीक है, और जय गन्ने के 10 रुपए गिरे थे करनाल नहीं जान देते हमें, वहीं बंद कर देते फुल पे। कहीं की बात करे जी, ये तो हमें खान लग रही सरकार और सुप्रीम कोर्ट के, कहीं की बात करे सुप्रीम कोर्ट सरकार के अधीन होते है जी, हमारा 14 दिन का फेवीट हुए। सरकार तो ये भी कह रही है कि ये जो कृषि कानून है तीनों ये बिल्कुल ठीक है, इनको बिचौलिए द्वारा भड़काया जा रहा है किसानों को, उसको लेके क्या कहीं के कानून है ये किन्ने लगाए हमारे, तो हम नाश करने के उसके लगाए इन्होंने, ये नाश करने लग रहे हमारा किसानों का, शोषण कर दिया इन्होंने। कहीं की बात करे जी आप, कहीं की सुप्रीम कोर्ट जो है सिर माथे पे हमारे, एक बात हम आप 14 दिन का फेमिट करे था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, खंडपीठ ने, वो जो है लागू नहीं करा फिर ब्याज का मैं दुआ दो। आप क्या कहेंगे जो कृषि कानून सरकार तो ये कह रही है कि ठीक है, क्या कहेंगे आप? मेरे बुजुर्ग हैं ये और मेरे भाई हैं जो ये बोल रहे थे सारे, और आप यहाँ बच्चे से भी ना, बच्चे से पहली बात तो ये है कि भी इन्हें अनपढ़ मत समझना, ठीक है? आपकी हर बात का जवाब देंगे, अगर बच्चे के मुंह पे भी लगाओगे ना तो वो भी यहाँ बताएगा, ये वैसे ही नहीं बैठे हुए हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले भाई साहब से पूछा था कि भी ये बताओ कि किसान तो समर्थन भी कर रहे हैं, ईमानदारी से आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ वो किसान आपने देखे हैं जो समर्थन कर रहे हैं, बताओ आप देखे हैं? क्या हमने देखता कि कुछ समर्थन में किसान रैलियां निकाल रहे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? धुएं में हवा का पहाड़ मत बनाओ। मेरा मतलब ये है, अगर मेरी बात सुन, एक मिनट बुजुर्गो एक मिनट, अगर आपने वो देखा हो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा कोई नाम होगा, मेरी कोई है, मेरी पगड़ी है, भाई साहब की टोपी है, ये है, कोई तो शक्ल है, क्या आप बोल दो कि धुएं में पहाड़ इनसे सवाल पूछिए, क्या आपको क्या लग रहा है कि वो किसान नहीं है जो समर्थन कर रहे हैं इसका, कौन है फिर वो लोग? आपको आपको क्या लग रहा है कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो किसान नहीं है? मैं पहले तो आपसे मीडिया वालों से सबसे ये कहना चाहूंगा, मीडिया एक बहुत बड़ी अच्छी चीज होती है, भगवान का रूप होता है, आप जिस चीज को देखो उसी चीज को दिखाओ, अगर हो तो, और अगर जानवर की बात है किसी चीज की बात है तो आप वो जो जैसे गोदी मीडिया कर रहा है करने दो उसको, हर सवाल का जवाब मिलेगा। मैंने पहले सवाल करा, आपने हमें करा, मैं आपको कर रहा हूँ, क्या आपने वो किसान देखे हैं?
ये 55 दिन से किसान बैठे हैं, 120 किसान शहीद हो गए। एक मिनट मेरी बात सुन लो, 120 किसान शहीद हो गए हैं। वो शहीद हुए उनमें से एक भी जो नकली लाए थे, जो 10-10 रुपए पे लेके आए थे, 500 रुपए पे लेके आए थे, उनमें से नहीं, उनमें से एक भी शहीद हुआ है। तो कुल मिलाकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों का तेवर देखकर आपको साफ तौर पर लग रहा होगा कि किसान पूरी तरह से आक्रोश के मूड में है। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि किसान फिलहाल तब तक अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए और किसानों की बात को जनता के बीच तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के। दरअसल 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और पूरा देश जो है वो कोरोना वैक्सीन के जरिए कोरोना पर वार करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। साथ ही अब देश ने एक मुहिम छेड़ दी और इस मुहिम पर जो है वो पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो देश में 16 जनवरी को कोरोना के वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के टीकाकरण अभियान को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पूरे भारत में 3,351 केंद्रों पर कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाए गए। पूरे देश में टीकाकरण अभियान के पहले दिन शाम 5:30 बजे तक 1,65,714 लाभार्थियों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। कोविड-19 टीकाकरण सत्रों के आयोजन में 16,755 कर्मचारी शामिल थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान पहले दिन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती होने का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना काल के शुरुआती दिनों को याद करते हुए भावुक भी हो गए थे। पीएम मोदी ने उस वक्त को याद किया जब देश में कोरोना काल को अनिश्चितता का माहौल था और तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह पहला मौका नहीं जब देशवासियों को संबोधित करते हुए या किसी मौके पर पीएम मोदी भावुक हुए हों। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक 3 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन पहले चरण में 43% लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी है। सरकार की कोशिश फर्स्ट लाइन वॉरियर्स को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगाने की है। वैक्सीनेशन के कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं और जो वैक्सीनेशन था वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। देश के कई राज्यों में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, खासतौर पर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके अलावा घना कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है। आपको बता दें कि ठंड की वजह से उन लोगों को खासतौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिनके सर पर छत नहीं है। तो देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत के कई शहरों में पहले ही कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे हैं। इसके बाद अब ठंड उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हालत खराब करने वाली है। कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड और ठिठुरन से भी लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली के पालम में शनिवार की सुबह 0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जिससे अगले 24 घंटों में 0.2 डिग्री और नीचे लुढ़कने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। हवा नहीं चलने के कारण कोहरे ने शुक्रवार की शाम से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक इससे राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार 18 जनवरी से कोहरे से राहत मिल सकती है। तो सर्दी का सितम पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सुबह और शाम के वक्त कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। दरअसल कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो वाहन चालक हैं उन्हें ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है। और आपको बता दें कि आलम ये हो चला है कि जो वाहन चालक हैं वो हेडलाइट जलाने के बावजूद भी ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे हैं। और अगर मौसम विभाग की माने तो फिलहाल सर्दी और घने कोहरे से निजात मिलती हुई नहीं दिख रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन मिलेगी। आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी जमीन को लेकर के जो भी काम है वो सरकार लगातार पूरे करने में लगी हुई है। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को शनिवार को एडीएम कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट की 70.05 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। ये जमीन अभी तक आजम खान की जौहर ट्रस्ट के नाम पर थी। एडीएम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट को नियमों का पालन न करने का दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया है। सरकारी वकील अजय तिवारी ने बताया कि अब तहसील के अभिलेखों में ये भूमि आजम खान की जौहर ट्रस्ट से काटकर प्रदेश सरकार के नाम पर दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार को तो अब जौहर ट्रस्ट की जमीन मिलेगी। आपको बता दें कि जौहर ट्रस्ट को नियमों का पालन ना करने का दोषी पाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इस पूरे मामले को लेकर एडीएम कोर्ट से करारा झटका लगा है, जिसके बाद कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट की 70.05 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होने हैं और जो पंचायत चुनाव हैं वो 3 चरणों में कराए जाने हैं, जिसको लेकर शासन स्तर पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर शासन स्तर पर तेजी दिखने लगी है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही अब चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज निदेशक ने पंचायत चुनाव के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर जिलों से सूचना मांगी है। साल 2015 में जिले में कितनी सीटों पर पंचायत चुनाव हुआ था, इस साल कितनी सीटें कम हुई हैं, इसको लेकर उन जिलों को सूचना भेजी गई है जहां सीमा विस्तार के बाद ग्राम पंचायतों का रकबा प्रभावित हुआ है। कुछ जगह ग्राम पंचायतें नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगमों में मर्ज होने के बाद ये सूचना मांगी जा रही है। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग मार्च में चुनाव कराए जाने की अधिसूचना जारी कर सकता है। लखनऊ प्रशासन और निर्वाचन आयोग इसको लेकर जिलों को सूचनाएं भेजकर कई जानकारियां जुटा रहे हैं। आए दिन नए बिंदुओं पर चुनाव के संबंध में जानकारी मांगी जा रही है। साल 2015 में हुए पंचायत चुनाव को लेकर जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर जल्द ही उत्तर प्रदेश के जिलों में सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। क्षेत्र में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कई जगह ग्राम पंचायतों के नगर पंचायत बनने के बाद से जिले में प्रभावित हुए वार्ड में आंशिक परिसीमन कार्य पूरा हो गया है। शासन द्वारा पंचायत चुनाव के संबंध में जिले से मांगी गई जानकारी भी शासन को भेजी जा चुकी है। अब सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ग्राम पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण पर उम्मीदवारों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि पूर्व चुनाव में जो सीट जिस वर्ग में आरक्षित थी वो इस बार उसमें नहीं रहेगी, इसमें बदलाव किया जाएगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पुरजोर नजर आने लगी हैं। शासन स्तर पर पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां मुकम्मल होती हुई नजर आ रही हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन ने पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। सरकार किसानों के फायदे के लिए तमाम योजनाएं चला रही है ताकि जो किसान हैं उन्हें इन योजनाओं का फायदा मिल सके और किसानों को इसके अलावा उनकी फसल का भी उचित दाम मिल सके। इसी बीच खबर आ रही है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत जो राशि किसानों को दी जाती है उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 6000 की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी और इस बार बजट में इस राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो इस राशि में बढ़ोतरी के बाद गरीब किसानों को कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि बजट को लेकर वित्त मंत्रालय की तैयारी जोरों पर है। हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि इस बार के बजट में क्या कुछ नया पेश किया जाएगा।
जबकि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रधानमंत्री खुद भी बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान आंदोलन अभी भी जारी है। इस बीच सूचना मिल रही है कि इस बार के बजट में खेती और किसानी को लेकर मोदी सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। खबर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए को बढ़ाकर मोदी सरकार 10,000 रुपए सालाना कर देगी। दरअसल किसान केंद्र सरकार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना मिलने वाली 6,000 की राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि 6,000 रुपए सालाना की रकम पर्याप्त नहीं है। किसानों का कहना है कि इस योजना के तहत उन्हें हर महीने 500 रुपए की रकम मिलती है, जो कि काफी नहीं है। धान की 1 एकड़ जमीन में फसलों में 3-3.5 हजार रुपए लगते हैं, जबकि गेहूं की 1 एकड़ की खेती के लिए उन्हें 2-2.5 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में उन्हें इस स्कीम से उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। लिहाजा मोदी सरकार को इसकी रकम बढ़ानी चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना को साल 2018 में शुरू किया था। ये केंद्र सरकार द्वारा 100% फंड पाने वाली स्कीम है। इसके तहत छोटे और मझोले किसानों को सालाना 6,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। फिलहाल इस स्कीम का लाभ उन्हीं किसानों को मिल रहा है जिनके पास 2 हेक्टेयर या फिर इससे कम की जमीन है। तो कुल मिलाकर अब किसान सम्मान निधि योजना में जो राशि किसानों को सालाना मिलती है, उसमें बढ़ोतरी की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि किसान लंबे समय से जो किसान सम्मान निधि योजना है उसको लेकर के मांग कर रहे थे कि जो सम्मान निधि योजना की राशि है उसमें सरकार को बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। गणतंत्र दिवस को लेकर के पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर राजपथ पर भव्य परेड निकलती है, जिसकी रिहर्सल को लेकर के अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली यातायात पुलिस ने यह एडवाइजरी जारी की है। संयुक्त पुलिस आयुक्त तो यातायात मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर निकाली जाने वाली परेड को 17, 18, 20 और 21 जनवरी को रिहर्सल की जाएगी। परेड विजय चौक से शुरू होकर राजपथ होते हुए इंडिया गेट तक जाएगी। इसके कारण सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक राजपथ रफी मार्ग, राजपथ जनपथ, राजपथ मानसिंह रोड और राजपथ सी हेक्सागन मार्ग को बंद रखा जाएगा। इस मार्ग से आने वाले यातायात को अन्य मार्गों पर भेजा जाएगा, इसलिए लोग 4 दिन उन इलाकों में आने से बचने की एडवाइजरी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है। परेड के रिहर्सल के दौरान आश्रम चौक से सराय कालेखां, आईपी एस्टेट फ्लाईओवर, राजघाट, राजपथ राय मार्ग, मथुरा रोड, भैरव रोड, रिंग रोड, अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमल अतुतर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा, क्रिमसेंट आरएमएलए, बाबा खड़क सिंह मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं इस दौरान यातायात के लिए जो है लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। पूर्व से पश्चिम दिशा में जाने वाले वाहन चालक रिंग रोड से भैरव रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, पृथ्वीराज रोड, सफदरजंग रोड, कमल अतुतर्क मार्ग, इन जगहों से जो है वो आवागमन यहां पर कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने, जो दिल्ली की यातायात पुलिस है, उसने किस तरह से एडवाइजरी यहां पर जारी की है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hey you, welcome to IP Club. Also, family restaurant with indoor as well as terrace dining. IP Club में birthday party, anniversary, kiddie party, farewell या कोई भी मजेदार event आप organize कर सकते हैं। So, जब भी mood party का या लजीज खाने का या सिर्फ songs के साथ jamming करने का, तो जाना ना भूले one and only IP Club.
डू विजिट आईपी क्लब फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 7809312112